हेरी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाई हूँ सीताफल का जूस। सीताफल में से एक ही साथ बीज को कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो चलो सीताफल का जूस बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 6 नंग सीताफल लिए है, बादाम, शुगर, काजू और मिल्क। अब सीताफल के अंदर इस तरह से हम इसे खोलेंगे और बीच का भाग हम जो पल्प है वो निकाल लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम सारे सीताफल के पल्प निकाल लेते हैं। मैंने सीताफल के अंदर से सारा पल्प निकाल लिया है और अब हम इस तरह की चटनी लेंगे। इसमें हम पल्प डाल देते हैं। इस तरह चटनी में चम्मच से सीताफल को पीसेंगे तो जिससे सीताफल के सारे बीज एक ही साथ निकल जाएंगे। तो इस तरीके से सीताफल का भी निकाल लेते हैं और पल्प तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आप सीताफल के बीज को आसानी से निकाल सकते हो। हमने इस तरह से सीताफल में से सारा पल्प निकाल लिया है। सीताफल में से पल्प निकाल लिया है और इसे साइड पर रख देते हैं। और बादाम और काजू हम एक मिक्सर बाउल में ऐड कर देते हैं और इसे क्रश कर लेते हैं। काजू और बादाम क्रश कर लिए हैं और इसे हम एक बाउल में रख देते हैं। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, इसमें हम ये पल्प ऐड कर देते हैं। एक कप दूध ऐड कर देंगे, आधा बाउल शुगर ऐड करेंगे। क्रश किया हुआ काजू और बादाम इसमें ऐड कर देते हैं। ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे क्रश कर लेते हैं। ये चीज बना लिया है, इसको हम एक साइड पर रख देते हैं और ग्लास ले लेते हैं और ग्लास में हम एक एक आइस ऐड कर देते हैं। ऊपर से हम कट किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं। तैयार है सीताफल का जूस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।